इसमें टेली नाइन ओपन कर लेते हैं, स्किप करते हैं, तो आपके सामने एक कंपनी ओपन हो जाएगी। इस कंपनी से बाहर जाने के लिए आप प्रेस करते हैं अल्टा प्लस F1, सी प्रेस करके आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेंगे। एंटर करके अपन इसको यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन बोल देना, हम सॉल्व करवा देते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया है, 8 लाख रुपए नगद, तो आप यहाँ पे ALC से लेजर बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब आप स्किप की से बेच चाहते हैं, स्किप की का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। ब्राउजर एंट्री के लिए आप प्रेस करेंगे भी, अब अभी आप देख रहे हैं इसमें आप एंट्री कौन से ब्राउजर करेंगे, पेमेंट ब्राउजर है, एंट्री अपन करेंगे F6 से रिसिप्ट ब्राउजर। अब अभी आपको यहाँ पे सो क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, आपको इसे बाय और टू में कन्वर्ट करना है। आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F12, F12 पे जाने के बाद आप इस ऑप्शन को यहाँ से नो कर देंगे, लिखा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, आप इस ऑप्शन को यहाँ से नो कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आने लगेगा, टू ऑफ बाय, ठीक है, एंट्री अपन करेंगे F6 से रिसीव वाउचर में। टू में क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट अमाउंट डाल देंगे और बाय में आ जाएगा केस, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए, नगद माल खरीदा है 85,000, एंट्री अपन करेंगे F9 से परचेज वाउचर में, यहाँ पे एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। अब टू में क्या आ जाएगा, केस, नगद माल है, टू में क्या आ जाएगा, केस, डिस्काउंट है किसे 85,000, आप इधर अमाउंट डाल देंगे 85,000, बाय में आ जाएगा परचेस, अल्टा प्लस सी से आप परचेस से लेजर बना देंगे, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट आपका अंडर में परचेस अकाउंट में आएगा, एंटर करके आप सेव कर देंगे। ठीक है, इसमें भी अमाउंट कितना आ जाएगा, 85,000, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलिए, श्याम से माल खरीदा है, एंट्री परचेज वाउचर में ही होगी आपको क्योंकि अपन माल खरीद रहे हैं। अब टू में क्या आ जाएगा, बोले टू में क्या लिखेंगे, हाँ टू में उस पर्सन का नाम आएगा जिससे उधार माल अपन खरीद रहे हैं, अल्टा प्लस सी से श्याम के नाम से लेजर बना लेंगे, श्याम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट अंडर में आपका आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्लियर, एंटर कर देंगे। यहाँ आप डाल देंगे कितने दिन बाद पेमेंट अपन कर देंगे, अमाउंट कितना है, 70,000 रुपये, अपन कंट्रोल प्लस एन करते हैं, 70,000 रुपये अपन जो 6% रेट डिस्काउंट मिल रहा है मल्टीप्लाई से इससे डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 4,200, आप 70,000 में से माइनस कर देंगे 4,200, अमाउंट आएगा 65,800, आप श्याम के सामने अमाउंट कितना लिखेंगे, 65,800, एंटर, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, बाय में क्या आ जाएगा परचेस, इसके सामने भी अमाउंट कितना आ जाएगा, 65,800, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो, गुड्स लॉस बाय फायर, एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में कि अपना माल आज में जल्दी नष्ट हो गया, केस का लेन देन नहीं है, क्या जला है माल, तो एंट्री आप किस में करेंगे, F7 से जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा लॉस बाय फायर, अल्टा प्लस सी से आप लॉस बाय फायर का लेजर बना लेंगे। लॉस बाय फायर अंडर में आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव, अमाउंट कितना था, और टू में आ जाएगा परचेस क्योंकि अपना माल जला, एंटर कर देंगे, एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में, बाय में आएगा लॉस बाय फायर और टू में परचेस, एंटर करके सेव।
नेक्स्ट बोलिए, कमीशन पे कर रहे हैं अपन, एंट्री किस में करेंगे, F5 से पेमेंट वाउचर में, बाय में क्या आ जाएगा, कमीशन, अल्ट प्लस सी से कमीशन का लेजर बना लेंगे, कमीशन अकाउंट अंडर में आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव, कितना पैसा था, और टू में आ जाएगा आपका केस, क्योंकि अपन केस दे रहे हैं, एंटर करके आप सेव कर दें। नेक्स्ट बोलो, अपन वेजेस सैलरी और कैरी कन्वर्ट इन तीनों का पेमेंट कर रहे हैं, आप इन तीनों का पेमेंट एक साथ एक ही बाउचर में कर सकते हैं, अपन क्या लिखेंगे, एंट्री करेंगे पहले पेमेंट बाउचर में, तीनों आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस का नाम किसमें आ जाएगा, बाय में, अपन यहाँ एक लेजर बनाते हैं अल्टा प्लस सी से वेजेस अकाउंट का, वेजेस अकाउंट अंडर में आपका आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कितना था अमाउंट, फिर अब अपन सैलरी भी पे कर रहे हैं, आप इसे क्या कर देंगे यहाँ पे बाय, अब अपन अल्टा प्लस सी से सैलरी का लेजर बना लेंगे, सैलरी अकाउंट अंडर में आपका किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, सैलरी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना 10,000, फिर अपन कैरेज इनवर्ट भी पे कर रहे हैं, इसे कर देंगे बाय, अल्टा प्लस सी से कैरेज इनवर्ट का लेजर बना देंगे, कैरेज इनवर्ट अंडर में आपका आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके आप सेव कर देंगे, अमाउंट डाल देंगे 15,000, और टू में क्या आ जाएगा, केस अपने पास से केस जा रहा है, टोटल कितना केस पे कर रहे हैं अपन, 30,000, एंटर कर देंगे, यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग वेजेस सैलरी एंड कैरेज इनवर्ट पे, और एंटर कर दिया, सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए, केस लॉस बाय थीफ, चोर ने केस चुराया, नगद चोरी हुआ, तो एंट्री किस में करेंगे अपन, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है, बिजनेस से केस जा रहा है, तो एंट्री आप किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में, अब बाय में क्या आ जाएगा, लॉस बाय थीफ, अल्टा प्लस सी से आप लॉस बाय थीफ का लेजर बना देंगे, लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट अंडर में आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है, और टू में आ जाएगा केस, अपना केस चोरी हो, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए, खरीदा है माल, देखिए माल खरीद रहे हैं तो आप एंट्री करेंगे F9 से परचेज वाउचर, यहाँ पे आप एक बाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन एक बार और बोलो, अपन नजद माल खरीद रहे हैं 52,000 का, जिसपे 4% रेट डिस्काउंट है, 2% केस डिस्काउंट, अपन टू में लिखेंगे केस, नजद माल कंट्रोल प्लस एन करते हैं, सबसे पहले अपन 52,000 से निकाल लेंगे 4% रेट डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 4/100, अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,080, 52,000 में से आप माइनस कर देंगे 2,080, अमाउंट आएगा 49,920, अब आप 49,920 पे निकालेंगे 2% केस डिस्काउंट, अमाउंट कितना आएगा, 998, आप इसमें से माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा, 48,922, आप यहाँ केस के सामने कितना लिखेंगे, 48,922, बाय में आ जाएगा परचेस, परचेस में अमाउंट कौन सा आएगा, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 49,920, और टू में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टा प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना देंगे, डिस्काउंट अकाउंट डी कौन सा है आपका, परचेस वाला, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो, गुड्स सोल्ड एंड चेंज रिसीव, माल बेचा है उतना में चेंज मिला, एंट्री अपन करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में,
यहाँ पे एस वाउचर अपन सिलेक्ट कर लेंगे। अब बाय में क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड, अल्टा प्लस सी से चेक इन हैंड का लेजर बना देंगे। चेक इन हैंड अंडर में आपका आ जाएगा कैश इन हैंड में। एंटर करके सर अमाउंट कितना है, 50,000, 50,000। और टू में आ जाएगा सेल्स, अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेजर बना देंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर में आपका आ जाएगा सेल्स अकाउंट। एंटर करके सेव, एंट्री क्या हो जाएगी, बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोली गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय फोन पे, ठीक है, माल खरीदना है भुगतान किससे कर रहे हैं, फोन पे से। एंट्री करेंगे एफ नाइन से परचेज बाउचर में, एस बाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। अब टू में क्या आ जाएगा, बैंक, क्योंकि अपन पेमेंट कैसे कर रहे हैं, फोन पे से। अल्टा प्लस सी से बैंक का लेजर बना लेंगे। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अंडर में आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट में। एंटर करके आप सेव कर देंगे। कितना अमाउंट है, 20,000। और बाय में क्या आ जाएगा, परचेस। एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो, स्टेप से बैक चलते हैं, बैलेंस शीट के लिए आप भी प्रेस करेंगे। देख लीजिए बैलेंस शीट आ रही है आपकी 8,65,800। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अपन भी प्रेस करेंगे। सही है, सबका सही है, इतना क्लियर है आप लोगों को, इतने में कोई डाउट नहीं, इतना कर लेंगे ना आपसे। अब अपन वाउचर एंट्री करते हैं। अब हम आपको एंट्री बताते हैं सोंट्रा वाउचर में। आप प्रेस करते हैं F4 से आपका सोंट्रा, कौन सा वाउचर सेलेक्ट होता है, सोंट्रा वाउचर। सोंट्रा वाउचर में सिर्फ आप तीन कंडीशन में एंट्री करते हैं। कितनी कंडीशन में, तीन कंडीशन। अब वो तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है, बैंक में कैश जमा करने पे, बैंक से कैश निकालने पे, और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे। सिर्फ तीन कंडीशन में आप सोंट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। कौन कौन सी होती है वो तीन कंडीशन, बैंक में नकद जमा करने पे, बैंक से नकद निकालने पे, और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे। सिर्फ इन तीन कंडीशन में आप सोंट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। क्लियर है, कौन कौन सी है तीनों कंडीशन, बैंक में नकद जमा करने पे, बैंक से नकद निकालने पे, और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे। जैसे कि आप देखते हैं आपको अपना चेक बैंक में जमा करना है, आप एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, सोंट्रा वाउचर में। बैंक से कैश निकालना है तब भी आप एंट्री सोंट्रा वाउचर में करेंगे। अब अपन माल बेचते हैं, आप माल बेचते हैं भुगतान में आपको चेक मिलता है। अगर वो चेक अपन उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते तब अपन एंट्री किसके नाम से करते हैं, चेक इन हैंड के नाम से। अब वो रखा हुआ चेक आप जब नेक्स्ट डे बैंक में जमा करेंगे तब आप एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, सोंट्रा वाउचर। क्लियर है, तीनों कंडीशन क्लियर है। अब देखिए अपन सिलेक्ट कर रहे हैं F4 से सोंट्रा वाउचर। जब आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो बैंक कौन है आपका पाने वाला और अपन कौन है देने वाला, अपने पास से क्या जा रहा है, अकाउंटिंग का रूल है, पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। ठीक है, आपके व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले को बाय करेंगे, देने वाले को टू करेंगे। बैंक आपका कौन है, पाने वाला, क्योंकि अपन बैंक में कैश जमा कर रहे हैं, अपन कौन है देने वाला। तो आप टू में क्या लिखेंगे, देने, अपन क्या दे रहे हैं कैश, तो टू में क्या आ जाएगा कैश। कितना जमा कर रहे हैं, 20,000, मान लेते हैं 30,000 लिखते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे। अब बाय में क्या आ जाएगा, बैंक, क्योंकि बैंक कौन है आपका पाने वाले, पाने वाले को बाय करेंगे। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, F4 से सोंट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे आप, और एंट्री आपकी हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, एंटर नरेशन डालेंगे, बी कैश डिपॉजिट बाय बैंक। क्लियर है, एंटर करके सेव कर देंगे। कोई डाउट है आप लोग इसमें, कर लेंगे। अब सेकंड कंडीशन होती है बैंक से नकद निकालने पर, अपन क्या कर रहे हैं बैंक से कैश निकालना। जब अपन बैंक में कैश जमा कर रहे थे तब बैंक कौन था पाने वाला और अपन कौन थे देने वाले। अब अपन बैंक से कैश निकाल रहे हैं, अब बैंक कौन है आपका देने वाला और अपन कौन है पाने वाला, अपने पास कैश आ रहा है बैंक के पास से जा रहा है, तो देने वाले को क्या करते हैं टू, टू में क्या आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट। देखिए आपको बता रहा हूँ कितना है अभी आपके बैंक में, 10,000। ठीक है,
अब यहाँ 10,000 इसलिए बता रहा है, अपन ने जमा तो 30,000 थी, पहले अपन ने 20,000 फोन पे कर दिए थे, वो अपन ने माल एक एंट्री की थी, माल खरीदा भुगतान फोन पे से किया, तब 20,000 गए थे, इसलिए वो अमाउंट उसने यहाँ से माइनस कर दिया। 10,000 बता रहा है, अब 10,000 में से आप 5,000 निकाल दें तो यहाँ अमाउंट डाल देंगे, बाय में क्या आ जाएगा, केस, अपने पास केस आ रहा है, क्लियर है। जब जमा करेंगे तो बैंक किस में आएगा, बाय में, क्योंकि उस कंडीशन में बैंक पाने वाला, जब निकाल रहे हैं तो बैंक अकाउंट किस में आ जाएगा, टू में, क्योंकि बैंक कौन है, देने वाला। नेरेशन डालेंगे, बीइंग केस विथड्रॉ बाय बैंक, विथड्रॉ बाय बैंक, क्लियर है, एंटर करके सेव कर दें, क्लियर है दोनों कंडीशन, दोनों में कोई डाउट है। और थर्ड कंडीशन होती है रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे, अभी अपन ने एक एंट्री की थी, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, ठीक है, अब वो चेक अभी अपन ने बैंक में जमा नहीं किया था, आपने एंट्री क्या की थी, बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अब वो रखा हुआ चेक आप नेक्स्ट डे बैंक में जमा कर रहे हैं, एंट्री जिसमें करेंगे कंट्रा वाउचर में, अब टू में क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड, अपने पास से क्या जा रहा है, चेक, तो आप टू में क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, कितने का चेक है आपके पास, 50,000 का, बताओ आप पूरा जमा कर रहे हैं तो आप कितना अमाउंट डाल देंगे, 50,000, और बाय में क्या आ जाएगा, बैंक, क्योंकि बैंक कौन है, पाने वाला, ठीक है, एंटर कर देंगे। अब आप नेरेशन डाल देंगे, बी चेक डिपॉजिट बाय बैंक, अब अपन चेक जमा कर रहे हैं, एंटर करके आप सेव कर दें, क्लियर, इतने में कोई डाउट है आप लोग पूछ लीजिए, कर लेंगे आप लोग काउंटर वाउचर में एंट्री, ठीक है, आपको ध्यान रखना है काउंटर वाउचर में सिर्फ आपको तीन कंडीशन में एंट्री करना है, बैंक में नजर जमा करने पे, बैंक से नजर निकालने पे, और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे, कर लेंगे आप लोग।